आज हम सूजी का हलवा बनाएंगे, जिसके लिए सामग्री एक कटोरी सूजी, एक कटोरी चीनी, छोटी कटोरी घी, काजू, बादाम, किशमिश और चिरौंजी, इन सामान की ज़रूरत पड़ेगी और पानी। अब हम गैस जलाएंगे। गैस जलाकर हम उस पर कढ़ाई रखेंगे। अब हम इसमें घी डालेंगे। सबसे पहले घी गरम हो गया, अब हम इसमें सूजी डालेंगे। सूजी को अच्छी तरह भून लेंगे। हलवे को परफेक्ट बनाने के लिए हमें उसमें जो सामग्री पड़ती है उनकी सही मात्रा लेना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि हलवा परफेक्ट बने। कोई भी चीज़ परफेक्ट हो, हलवा हर त्यौहार पर बनाया जाता है। जब भी मन करता है तभी हम जल्दी से हलवा बना लेते हैं, क्योंकि इसकी सभी सामग्रियां घर में होती हैं और ये खाने में भी अच्छा लगता है। अष्टमी नवमी में कन्या खिलाने के लिए सब जगह हलवे की ज़रूरत पड़ती है। अगर हलवा अच्छा बना है तो बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। हलवा सभी को पसंद होता है और बन भी जल्दी जाता है। अब ये घी छोड़ने लगा है, थोड़ा हल्का ब्राउन हुआ, थोड़ा और हम इसको भून लेते हैं। हलवे को अच्छी तरह भूने, हल्का हल्का ब्राउन हो रहा है। अब हम इसमें बादाम, काजू, चिरौंजी और किशमिश डाल के इसके साथ इनको भी भून लेंगे। अब इसकी अच्छी सी खुशबू आने लगी है इसमें से और ये भून के भी
तैयार हो गया है। अब हम इसमें चीनी डालेंगे। घी भी छोड़ दिया इसने और इसमें ये ड्राई फ्रूट भी भुन चुके हैं। अब हम इसमें चीनी डाल देंगे। चीनी डाल के हम इसमें 3 कटोरी पानी डालेंगे। पानी धीरे से डालें क्योंकि हाथ से जलने की भी छीटे से हाथ जलने के लिए वो रहती है। हमने इसमें 1 कटोरी सूजी थी, 3 कटोरी पानी डाल दिया। पानी डाले तो हाथ को बचाए रखे क्योंकि हाथ जलने की भी संभावना रहती है छींटे लग के। हलवा बन के तैयार हो गया है। अब हम इसको प्लेट में निकालेंगे, उसके बाद हम सर्व करेंगे। गैस को बंद करेंगे। हलवा बन के तैयार हो गया है। अब हम इस पर ड्राई फ्रूट डालेंगे। बन के तैयार। अब हम इसको सर्व।